हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो इस वीडियो में बात करने वाले पावर लिफ्टिंग वर्कआउट के बारे में, पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग के बारे में, हम प्रोग्राम खुद कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते कि पावर लिफ्टिंग मतलब क्या होता है। तो बेसिकली पावर लिफ्टिंग मतलब स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट। तो ये तीन इवेंट्स होते हैं हमारे पावर लिफ्टिंग में। तो तीनों इवेंट्स में हमें पर इवेंट 3-3 लिफ्ट्स करने का मौका मिलता है। तो ओवरऑल इवेंट में हमें 9 लिफ्ट्स करने पड़ते हैं। तो पावरलिफ्टिंग वर्कआउट बनाते समय हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, मूवमेंट स्पेसिफिक वर्कआउट्स, मतलब हमारा वर्कआउट सिर्फ स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट के ऊपर ही होना चाहिए। तो पावरलिफ्टिंग वर्कआउट हमें वीक में कितने बार करना चाहिए? तो बिगिनर लेवल पे हम 4 दिन वर्कआउट कर सकते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे हम 5 दिन वर्कआउट कर सकते हैं, और जो एडवांस है जिनको सिर्फ पावरलिफ्टिंग का ही वर्कआउट करना है वो 6 डेज ए वीक वर्कआउट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग आई वांट यू टू डू इज फाइंड योर 1 रेप मैक्स। सो लेट्स कंसिडर आपका 1 रेप मैक्स है 100 kg। तो ये आपकी 100% पावर है। सो हमें 100% पावर में हमेशा वर्कआउट नहीं करना, हमें 50-70% ऑफ पावर में वर्कआउट करना है। तो इस रेंज में हमें हमारा वर्कआउट करना है फॉर अ मंथ, फॉर 2 months, और मे बी मोर देन 2 months। तो ऐसा वर्कआउट करने से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, हमारी पावर बढ़ने वाली है। कंसिडरिंग यू आर नॉर्मल जिम गाय हु डज 3 सेट्स ऑफ एवरीथिंग, तो हमें नॉर्मली जिम में जाने के बाद हमारा ट्रेनर बोलता है कि 3 सेट्स करो ऑफ एवरी एक्सरसाइज और घर जाओ। तो यह गलत है, पावरलिफ्टिंग में हम ऐसे नहीं करते। पावरलिफ्टिंग में हम हमेशा सबसे पहले वार्म अप करते हैं, तो वार्म अप सेट्स हम काउंट नहीं करते। वार्म अप सेट्स के बाद जो हमारा डेली गोल है वो सेट मेन सेट होता है, और उसके बाद हम उसको काउंट करना स्टार्ट करते हैं। सो कंसिडरिंग आप अपने 60% का वर्कआउट करने वाले हो, मतलब आपका ये मेन सेट होने वाला है, उसके बाद 10%, 20%, 30%, 40%, 50% ये सब आपके वार्म अप होने वाले हैं। तो ये सब हम काउंट नहीं करने वाले, ये सिर्फ हमारे वार्म अप होने वाले, हमारा मेन सेट 60% होने वाला है फाइनल सेट। तो हमें इस सेट के ऊपर आने के बाद हमारे सेट्स काउंट करने स्टार्ट करने। तो मंडे को सबसे पहले हम स्क्वाट करने वाले हैं, उसके बाद पॉज स्क्वाट करने वाले हैं, उसके बाद लंजेस या फिर वन लेग लेग प्रेस, उसके बाद गुड मॉर्निंग्स, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काफ रेजेस। उसके बाद नेक्स्ट डे हम करने वाले हैं बेंच प्रेस, बेंच प्रेस भी कॉम्पिटिशन स्टाइल वाला करने वाले हैं, उसके बाद नेगेटिव बेंच प्रेस, उसके बाद इंक्लाइन डंबल प्रेस, उसके बाद मशीन फ्लाइज। तो नेक्स्ट डे वेनसडे को आपको कुछ वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, आप या फिर रेस्ट लें या फिर कुछ बाहर जाके एक्टिविटी करें, स्विमिंग करें या फिर जॉगिंग को जाए। उसके बाद नेक्स्ट डे थर्सडे को ओवरहेड प्रेस, मतलब मिलिट्री प्रेसेस, उसके बाद रियर डेड फ्लाइज, उसके बाद साइड लैटरल सुपर सेट विथ फ्रंट रेजेस, उसके बाद बाइसेप सुपर सेट विथ ट्राइसेप एक्सटेंशन और किक बैक्स। तो नेक्स्ट डे फ्राइडे को भी आपको रेस्ट मिलने वाली है। सैटरडे को आता है डेडलिफ्ट, कॉम्पिटिशन स्टाइल वाला डेडलिफ्ट करना है इधर भी, उसके बाद हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, उसके बाद पुलअप्स, उसके बाद बेंड ओवर रोज, उसके बाद गुड मॉर्निंग्स, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काफ रेजेस। तो कुछ इस तरीका का वर्कआउट आप कर सकते हैं, ये बहुत फ्लेक्सिबल है, आप डेज उधर से इधर शिफ्ट कर सकते हो जैसे आपको चाहिए, जैसा आपका शेड्यूल हो। तो ये वर्कआउट आप शाम को भी कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो, या फिर दोपहर में भी कर सकते हो। तो आप इस वर्कआउट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, हमें कितने सेट्स और कितने रिपीटेशंस करने हैं? तो स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट में हमें 4-6 सेट्स, 8-10 रिपीटेशंस ऑफ 60-70%। तो ये हमें करना है। उसके बाद साइड वर्कआउट, साइड वर्कआउट मतलब स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट के बाद जो वर्कआउट है, जो असिस्टिंग वर्कआउट है, उसको हम साइड वर्कआउट बोलते हैं। तो साइड वर्कआउट के हमें 3-5 सेट्स, 12-15 रिपीटेशंस करने। तो उधर वेट आप अपने हिसाब से ले सकते हो, आपको जितना वेट चाहिए आप उतना ले सकते हो, आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। सो कंसिडरिंग यू आर डूइंग 5 सेट्स ऑफ 10 रिपीटेशंस और आपको
कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, आप हर सेट में 10 रिपीटेशंस इजीली कर पा रहे हो, तो आपको नेक्स्ट वर्कआउट में 2.5 या 5 केजी से आपका वेट इंक्रीज करना है। मतलब अगर आप 50 केजी से स्क्वाट कर रहे हो और आपको 10 रिपीटेशंस उसके इजीली आ रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट टाइम 55 या फिर 52.5 केजी स्क्वाट लेना है। मतलब 2.5 या 5 केजी आपको स्क्वाट बढ़ाना है। तो कुछ इसी तरीके से आपका स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट बढ़ने वाला है। यही तरीका सब यूज करते हैं, इसी तरीके से लोग अपनी पावर बढ़ाते रहते हैं। तो आप ये वर्कआउट कंटिन्यूसली कर सकते हो, आप इसमें थोड़ा साइड वर्कआउट आप चेंज कर सकते हो आपके नीड के ऊपर। बट कंपटीशन के पहले का वर्कआउट बहुत डिफरेंट होता है। यह सिर्फ वर्कआउट बिगिनर्स के लिए है, जो पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करने वाले हो, जिनको पावर लिफ्टिंग के बारे में कुछ पता नहीं है और उनको अच्छा गाइडेंस नहीं मिल रहा, तो आप ये वर्कआउट यूज कर सकते हो। बट कंपटीशन से पहले, कंपटीशन से 5 वीक्स पहले का वर्कआउट बहुत डिफरेंट होता है और वो बहुत ही अलग रहता है। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इन फ्यूचर। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को पावर लिफ्टिंग के बारे में और बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है पावर लिफ्टिंग गुरु। तो उधर मैं आपको वर्कआउट बना के नहीं दे सकता, आपको डाइट प्लान बना के नहीं दे सकता, जस्ट आपको गाइड कर सकता हो कि किधर आप गलत जा रहे हो या फिर किधर आप इम्प्रूव कर सकते हो। सो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हो, बट मुझे ये मत कहना कि मुझे पावर लिफ्टिंग का वर्कआउट बना के दो या फिर डाइट बना के दो। मैं आपको सिर्फ उधर हेल्प करने के लिए हूँ। सो कीप सपोर्टिंग एंड लाइक द वीडियो।